जारी एकता जिंदाबाद, कांटेक्ट में साथी जिंदाबाद, कांटेक्ट में साथी जिंदाबाद, लड़ेंगे जीतेंगे, हमें परमानेंट चाहिए चाहिए, परमानेंट नौकरी चाहिए परमानेंट नौकरी चाहिए, कितना होगा लगभग? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने हमारे साथ बड़ा धोखा किया है। हमारे कुल मिला के 500 से अधिक हमारे कर्मचारी साथ में काम कर रहे हैं, जो पिछले 25-30 सालों से काम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी के लिए हमने अपना जीवन पूरा त्याग दिया है। यहाँ पर मैं आपके चैनल के माध्यम से बस ये कहना चाहूंगा कि कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ जो है वो पक्का किया जाए और कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम को पूरी तरह से अबॉलिश किया जाए, जैसे कि अभी उड़ीसा सरकार ने किया है। 55,000 अधिक कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ को परमानेंट किया है, तो मैं आपके चैनल से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हम सभी को परमानेंट किया जाए और एक कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ पूरी तरीके से अबॉलिश किया जाए। ये जो ठेके पे जो देश चल रहा है, चाहे वो राज्य सरकारें हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, जिसका और ठेके पे चलने से कमीशन भी अच्छा होता है, क्योंकि जो कर्मचारी है वो डरा रहता है, उसको हर तरह से कुछ सेवा पानी भी चढ़ानी पड़ती है, तो ये सब चीजें दिक्कतियां आती हैं। अगर आप सरकारी कर्मचारी हो जाएंगे या एक तरीके से प्रॉपर चैनल में आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो दिक्कतियां आ रही हैं इसमें करप्शन भी बढ़ रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सर, कहना चाहते हैं हम 15-20-25 साल से जब इंडस्ट्री में काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, जब हम सारा काम कर सकते हैं तो बाहर से भर्ती क्यों की जाती है, एनटीए से भर्ती क्यों की जाती है? अगर टीचर की बात आती है तो उनके लिए अब्जॉर्वेशन होता है, कॉन्ट्रैक्ट की बात आती है उनके लिए एडॉप्शन होता है। क्या हम भी तो कर्मचारी हैं, हम सिर्फ यही चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट को पक्का करो, जैसे पंजाब गवर्नमेंट ने किया, जैसे उड़ीसा गवर्नमेंट ने किया, इसलिए हम यही चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी आप हमें पक्का करें। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं वाली बात हो रही है कि 10 साल 15 साल 20 साल जिंदगी के गोल्डन पीरियड आपने दे दिए। अगर आपको पता होता कि आपके साथ ये सलूक होता है तो शायद आप ये काम करते नहीं, कहीं दूसरा रास्ता खोज लें, जब तो उम्र भी निकल गई। आप बताइए क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है और सैलरी मिल रही है नहीं मिल रही है? सैलरी तो हमें रेगुलर मिल रही है टाइम से, लेकिन आज की डेट में हमारी स्थिति ये नहीं है कि हम कहीं बाहर जाकर काम कर पाएंगे। सबकी उम्र 40 से ऊपर है, कोई किसी को 5,000 रुपए की नौकरी भी मिलने वाली नहीं है। और जो काम हम कर रहे हैं इतने सालों से, जिसका एक्सपीरियंस है, आज वहाँ बोला जाता है, अथॉरिटी बोलती है कि तुम उस काबिल नहीं हो। हम नया वो लाएंगे, स्टाफ लाएंगे जो उसको अच्छे से चलाएगा यूनिवर्सिटी। अरे इतने सारे लोग, डायरेक्ट डिमांड तो नहीं है मैडम कहीं अंदर से कुछ के भाई ये दे दो चढ़ावा चढ़ा दो और हो जाए? ये हमको नहीं पता है ऐसा क्या है क्या नहीं है, लेकिन हमारे नर्सिंग में ऐसा हुआ था कि कुछ नर्सिंग, हमारी सिर्फ 3 डिमांडे हैं। सबसे पहली डिमांड हमारी ये है, आपके चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहूंगा, अगर प्रधानमंत्री जी मेरी बात सुन रहे हैं तो हाथ जोड़ के विनती, हमारी सिर्फ 3 डिमांड है कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ की, एनटीए को कैंसिल करो, कॉन्ट्रैक्ट साथियों को परमानेंट करो और हमारा हमें हक दो, बस हमारी सिर्फ 3 डिमांड है, उसके अलावा कोई डिमांड नहीं है। आप 500-600 लोग, बिल्कुल देखो कितना परिवार है, देखो और सब और बाकी रोड पे हम बताओ परिवार है, लेकिन आप ये समझिए अगर हम निकम्मे थे, अगर हम काम करने के लायक नहीं थे तो हमें 15-20 साल इस सिस्टम में क्यों रखा? हमें आप 6 महीने के एक्सटेंशन देते हैं तभी बाहर निकाल देते हैं कि आप लोग नहीं हो इसके लिए एलिजिबल। हम यहाँ लाइब्रेरी के हैं, लेबोरेटरी के हैं, जेसीटी हैं, मिनिस्ट्री स्टाफ है, सारे स्टाफ हमारा, हम पूरा अपनी मन धन से काम करते हैं यहाँ पर। अगर हम निकम्मे थे सरकार की नजर में तो बाहर तब क्यों निकाला इन्होंने, हमें इतना क्यों इतना लंबा चलाया? 100 साल मना रही है, 30 जून को हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टेडियम में नरेंद्र मोदी जी खुद आए थे, लेकिन हमारे कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई वर्ड नहीं बोला गया, ये भी नहीं कहा गया इन्हें पक्का किया जाए, कुछ दिया जाए, एक वर्ड कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं बोला गया, जबकि टीचिंग को परमानेंट पे परमानेंट किया जा रहा है, तो नॉन टीचिंग से सौतेला व्यवहार क्यों? सर ऐसा लगता है आपको टीचर्स भी चिल्ला रहे हैं, उनका भी कुछ नहीं हो रहा, ये सर देखिए आप सबको एक होना पड़ेगा, चिल्लाने का आप सबको है, उनके चिल्लाने में हमारे चिल्लाने में जमीन आसमान का फर्क है, वो चिल्ला रहे हैं उनका उनको मिल रहा है, वो सारे परमानेंट हो रहे हैं, लेकिन हम लोग कितने सालों से चिल्ला रहे हैं अब तक नहीं हुए। पिछले महीने 30 जून को यशस्वी प्रधानमंत्री जी आए थे, हमारे नाम का उन्होंने एक नाम तक नहीं लिया है, उससे पहले 4400 लोग एनडीएमसी में परमानेंट किए गए, अमित शाह जी गृहमंत्री हमारे खुद गए थे वहां पर, लेटर भी वितरण किया, जब उनके साथ ऐसा कर सकते तो हमारे साथ क्यों नहीं? हम भी तो वही स्टाफ है, हम भी तो वही परिवार, वही सरकार, भेदभाव क्यों हो रहा, क्या लगता है क्या वजह है, क्या संख्या कम है आपकी इसलिए? नहीं नहीं, संख्या तो हमारी 500-600 तो सरकार में कोई फर्क नहीं पड़ता, लाखों नहीं, पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेजों में मिला के 4-5 हजार बंदे हैं, ये सिर्फ मेन यूनिवर्सिटी के अंदर 800 के आसपास बंदे, हर जगह यही हाल है। तो क्या आपने क्या रणनीति बनाई है, क्योंकि ये लोकतंत्र है, यहाँ सरों की गिनती होती है, तो क्या और यूनिवर्सिटी को भी कांटेक्ट करेंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे, लामबंद करेंगे, कैसे लड़ेंगे? हम लोग जो आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हमारी पहली और आखिरी यही डिमांड है कि हम यहीं आए फिर हम कहीं और जाएंगे, हम अपने पीछे नहीं हटेंगे।
देंगे, हम इसलिए लड़ते हैं एनटीए का पूर्ण तरीके से बहिष्कार हो और हम कॉन्ट्रैक्ट वालों को परमिट किया जाए। मेरे बस यही आप लोगों से यह है कि आगे बढ़ाओ। देखिए ये है सरकार की नीति, अभी इनको लगता है कहीं कुछ किसी को लड्डू मिल रहा होगा, लेकिन इस देश में ठेके पे देश चलाने की प्रथा ऐसी चल गई है कि किसी को लड्डू नहीं मिल रहा है। लोगों में यही लगता है कि दूसरा खुश होगा, खुश कोई नहीं है, सब जंतर मंतर आते हैं, सब परेशान है, सब दिक्कत में है और सरकारें ये दे देती हैं कि एक दूसरे को देख के कि दूसरे के सुख से दुखी हो जाओ या दूसरे के दुख से सुखी हो जाओ, इस तरह की परिभाषा चल रही है। लेकिन बात बोलना चाहूंगा, सभी दुखी हैं। मैं एक बार वो बोलना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, मोदी जी आप हमेशा महिला शक्ति के बारे में बात करते हो, आप लोगों को ये महिला शक्ति नजर नहीं आ रही? इतनी सारी महिलाएं रोड पे बैठी हैं, 25-25 सालों से काम कर रही हैं, इतने मजबूर हो गए हैं। हेलो हेलो हेलो, हम इतने परेशान, कितने महीने से कुछ कह रहे हैं तनख्वाह नहीं मिली, कितने महीने मिल रही है, तनख्वाह नहीं रुकी है। हेलो हेलो हेलो, तनख्वाह मिल रही है, निकाल देंगे। अच्छा, अभी निकाला नहीं है, मतलब डरा रहे हैं। जिन्होंने 200 करोड़ रुपए देके एनटीए को डेट कागज पेपर, ये चाहते हैं कि धारले खुद करा सकते हैं इन चीजों को, पर इन्होंने एनटीए को 200 करोड़ रुपए दिया गया, उसमें धारले बाकी हुई। एनटीए पे तो बहुत सवाल उठ रहे हैं लगातार। मैं एनटीए के बारे में बताऊंगा, एनटीए कहने को लोग कहते हैं रेप्यूटेड एजेंसी है, मैं कहता हूँ रेप्यूटेड नहीं, वो एक नंबर की चोर एजेंसी है। आप लोगों का पेपर लीक हो जाता है, मैं बता रहा हूँ पेपर लीक होता है, नीट का एग्जाम कैंसिल हुआ है, सेंटर के सेंटर बिक जाते हैं, अपने बीच में सिस्टम बंद कर देते हैं लोग, सिस्टम बंद करने के माध्यम से अपनी सेटिंग कर लेते हैं लोग। बताओ हम कहाँ जाए, 8-8, 12-12 घंटे मिनिस्ट्री में काम करते हैं अपने ऑफिस में तनबंधन से, उसके बाद भी हम सोचते हैं थोड़ा बहुत पढ़ लें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, हमने मोदी जी को 9 साल से वो प्रधानमंत्री जी हैं, आज भी वो अपने मन की बात कर रहे हैं। अरे हमारे मन की भी सुन लो, इतने लोगों के घर के बच्चे मोदी हो रहे जी हैं। बहुत हुई मन की बात, अब हमारे मन की बात भी सुन लो, हाथ जोड़ के विनती है, हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं आपसे मोदी जी। मोदी जी तक ये बात पहुंचाना चाहती हूँ, मोदी जी 2024 का इलेक्शन आ रहा है, तो इतने लोगों को बेरोजगार मत करो, अपना भविष्य सोचो और हमारा ही भविष्य सोचो। ये 500 परिवार की लड़ाई नहीं है मोदी जी, 24 में इसका बहुत बड़ा प्रभाव दिखेगा। हम 500 है, हमारे पीछे 5 जा रहे हैं, हम लोग 500 नहीं है, आप अगर ये सोच रहे हैं 500 नहीं है, पूरे 5 जा रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगा, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा इस चीज का, हाथ जोड़ के विनती है, हमारे बारे में सोचा जाए, रजिस्ट्रार वीसी को बोला जाए कि हमको परमानेंट किया जाए। ये है हाल देश के अंदर, ये एनटीए के जो पूरी तरीके से टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं उसके ऊपर सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं कि किस तरह से पेपर लीक का मामला हो, सेंटर के सेंटर बिकने का मामला हो, बहुत गंभीर आरोप। 57,000 लोगों को परमानेंट किया है, वैसे देश के अंदर जहां पे भी कॉन्ट्रेक्चुअल को एबोलिश किया जाए और रेगुलर भर्तियां की जाए, शोषण नहीं होना चाहिए कर्मचारी, शोषण हो रहा है, हमारा बहुत सालों से शोषण होता रहा है, हमें विश्वास तक यूनिवर्सिटी हमारी सुनेगी। 20-25 साल तन मन धन से सेवा देने के बावजूद भी हमारे पेट पर लात मारने की पूरी कोशिश की जा रही है। आपके चैनल के माध्यम से बस यह कहना चाहूंगा, एनटीए को रद्द किया जाए और कॉन्ट्रेक्ट सिस्टम को पूरी तरह एबोलिश किया जाए। जो कॉन्ट्रैक्ट बेस से हो रहा है ये आखिर कौन कर रहा है? ये सरकार कर रही है, यूनिवर्सिटी कर रही है, जहाँ हम यूनिवर्सिटी कर रही है, जहाँ इतने सालों से काम कर रहे हैं वो हमारे साथ खिलवाड़ कर रही है, पेपर खिला के हमसे। मैं आपके जानने से ये कहना चाहूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट वालों को परमानेंट किया जाए, परमानेंट करने के बाद इस सिस्टम को पूरी तरह एबोलिश किया जाए और एनटीए को रद्द किया जाए। एनटीए को रद्द किया जाए, बिल्कुल मैडम, एनटीए को रद्द करना चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट वालों को परमानेंट करना चाहिए। उन लोगों को 14 साल से काम कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी में, दिन रात काम कर रहा हूँ, सुबह 6 बजे जाते हैं, रात को पता नहीं ये लोग कब की इनकी मीटिंग करती है, इनकी मीटिंग में सारा काम करते हैं, उसके बावजूद भी हमें नहीं पता था कि हमारे साथ इतना बुरा व्यवहार करेंगे, पेट में लात मारने की पूरी कोशिश की जा रही है। आप लोग कितनी मेहनत करते हैं, उसके साथ आपको यहाँ जंतर मंतर पर बैठना पड़ जाता है, बताइए। मैडम यूनिवर्सिटी के दो बहुत बड़े मही होते हैं, टीचिंग स्टाफ एक नोटिंग स्टाफ, जब टीचिंग के लिए ये लोग बिना पेपर के उनको एब्जॉर्प्शन दे सकते हैं, तो जो दूसरा पहिया जो कि बहुत मजबूत है, मजबूती के साथ काम करता है, उसके साथ एग्जाम था क्यों, उसको वन टाइम एब्जॉर्प्शन क्यों नहीं दे सकते लोग? उन टीचरों का सारा काम हम लोग करते हैं, उनके लेटर टाइप हम करते हैं, उनकी मेल, हम सब कुछ उनका काम हम करते हैं, उनका बस नहीं चलता, उनकी क्लास भी हम ले सकते हैं, तो हमारा क्यों नहीं? देखने को खाली वो आगे टीचर है पढ़ा रहे हैं, बाकी सारा काम जो है वो करते हैं, पीछे बैठा इंसान स्टाफ करता है, सारा काम करता है, जिंदाबाद, अधिकारी बैठे हैं, वो नहीं चाहते परमानेंट हो।
सरकार से भर्ती करना चाहते हैं, उनकी मंशा कुछ और। हेलो हेलो हेलो, टीचर की बात नहीं हो रही इसमें, टीचर कोई पर्टिकुलर उठा रही है, जो यूनिवर्सिटी का प्रशासन है वो नहीं चाहता, उनको चाहिए पैसे, उनको लोग चाहे जो मजबूरी हो, हम अपने प्रत्येक करो लेकर आएंगे, लेकर आएंगे कर्मचारियों की वजह से, और ये इनाम दिया बात, सभी भाई सीट ग्रहण करें, प्रोग्राम का टाइम हो रहा है, प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, सभी भाइयों से हाथ जोड़कर विनती है, वो कुर्सियों पे बैठे हैं, अपनी सीट ग्रहण करें, प्रधानमंत्री जाते हैं सराहना करें, माइक के पास बीना लगाए। देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बोलना चाहूंगा प्रधानमंत्री के लिए, हमारी एकता जिंदाबाद, अपने पुराने ओपीएस लागू करो, एग्जाम दिलाया जो बच्चे ओपीएस लागू करो, चार दिया गया बीसी की पावर कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम खत्म करो, हमें कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम खत्म करो, सभी भाइयों से विनती है अपनी चेयर ले, अपनी कुर्सियों पर बैठे, सभी साथी होने से पहले क्वेश्चन पेपर लीक हो जाते हैं, बीच में सिस्टम बंद होता है, होने से पहले क्वेश्चन पेपर, मैडम ऐसा है आप पहले ना थोड़ा सा गूगल पर सर्च कीजिए, पेरेंट्स हम तो पता नहीं, पेरेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं एंट्री एग्जाम से पहले ही बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल गया कि वीडियो लीक हो गया, हेलो देने जा रहे हैं वहाँ पर 15-20 मिनट की लाइट बंद की जा रही है, जिस लाइट को शट डाउन किया जा रहा है उसी बीच में सेटिंग की जा रही है, बच्चे अपने घर बैठे हैं, क्वेश्चन पेपर वहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम कर रहा है, तो हमारे साथ ये धोखा नहीं है, खिलवाड़ नहीं हमारे साथ ही है, हम लोग पागल हैं, अगर हम निकल तो यूनिवर्सिटी ने पहले भारतीय नहीं निकाला, हमें अपना अपना स्थान ग्रहण करें, 6-6 महीने का ये लोग हमें एक्सटेंशन लेटर देते हैं, उसमें 11 बजने जा रहे हैं, ये बंदा काम कैसे कर रहा है, मैं प्रेम जी को कहूंगा कि बंदा बहुत अच्छा काम कर रहा है, मंच का संचालन कर रहे हैं, तो भारतीय निकाल रहे हमें, हम अच्छा कर रहे भारतीय निकाल रहे हैं, मैसेज क्या है मेरा, बस यही मैसेज है, एनटीए को रद्द करो, कॉन्ट्रैक्ट शादी को परमानेंट करो, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को पूरी तरह अप्लाई करो।